我が名はシャドウ。影に潜む影を狩る者。क्या मतलब ये सीन मांगा में नहीं है और सिर्फ नेक्स्ट सीजन को टीज करने के लिए एनिमे में डाला गया है। मैंने चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में एक पोस्ट डाला था ये पूछते हुए कि तुम लोगों को किस टाइप की वीडियो चाहिए, जिस पे आए पूरे 2 कमेंट। तो मैंने सोचा इतने सारे 2 टॉपिक में से किस पे वीडियो बनाऊँ, तो मैंने एक और पोस्ट डाला जहाँ पर आए पूरे 13 वोट और साथ में हमें मिला इस वीडियो का टॉपिक। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे एमिनेंस इन शेडो की स्टोरी आफ्टर सीजन 2। हाँ, तो जिन्होंने इसके एनिमे को फॉलो नहीं किया है तो ये वीडियो तुम्हारे काम की नहीं है। पहले जाकर एनिमे देखो फिर ये वीडियो देखना, और अगर एनिमे देखने का टाइम नहीं है तो कमेंट कर दो, मैं सीजन 1 और सीजन 2 के रिकैप वीडियो भी बना दूंगा। एनिमे के एंड में हमने देखा कि शेडो ओरियाना किंगडम से स्टाइलिश वे में एग्जिट करने के लिए वहाँ सडनली अपीयर हुए ब्लैक होल में अपना हाथ दे देते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि शेडो परेशान होता है और सोचता है कि उसने हाथ देने से पहले ये नहीं सोचा था कि कुछ ऐसा हो जाएगा। शेडो को ये जगह जानी पहचानी लगती है सिवाय मैजिक और डिस्ट्रक्शन के। तभी वहाँ पर बीटा आ जाती है और शेडो को बताती है उसने आसपास सब चेक कर लिया है और ये जगह ना तो मिडगार्ड है ना ओरियाना। जैसे तुम लोग सोच रहे हो ये बीटा कैसे आई, तो शेडो का भी यही सवाल है और मांगा में भी इसको बताया नहीं गया है। मोस्ट प्रोबेबली जब शेडो ने अपना हाथ ब्लैक होल में दिया था बेटा ने भी शेडो को फॉलो किया होगा। तो आगे सीन में हम देखते हैं बेटा शेडो को एक नेम प्लेट दिखाती है जिसमें जैपनीज में कुछ लिखा होता है, जिसको देख के बेटा ये कंफर्म करती है कि ब्लैक होल ने उन्हें किसी अनफेमिलियर वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट कर दिया है। शेडो उस वर्ड को पढ़ लेता है फॉर ऑब्वियस रीज़न और उसे अब यकीन हो जाता है कि वापस अर्थ पर आ चुका है और जिस कंट्री में वो अभी है वो है जापान। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शेडो उस अपार्टमेंट में एंटर कर चुका होता है और वो अपने कपड़े भी बदल लेता है ताकि वो स्टैंड आउट ना करे। तभी शेडो वहाँ पर बहुत सारे डेड बॉडीज देखता है जिनकी बॉडी पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी होती है और सिर्फ बोन्स बचे हुए होते हैं। शेडो उन बोन्स पर दांतों के निशान देखता है और कंक्लूड करता है कि ये मार्क्स किसी नॉर्मल एनिमल के नहीं हैं। तभी वहाँ पर बीटा एक स्विम सूट में आती है और बोलती है कि इन कपड़ों की इलास्टिसिटी बहुत सही है और इनमें मोबिलिटी भी बहुत सही है। तभी शेडो उसको बताता है कि ये स्विम सूट है और उसको चेंज करने को बोलता है। ऐसे ही बीटा एक दो कॉस्ट्यूम और ट्राई करती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शेडो और बीटा स्ट्रीट पर होते हैं जहाँ बीटा शेडो से कुछ पिलर्स की तरफ पॉइंट आउट करके पूछती है कि ये क्या है, जिसके रिस्पॉन्स में शेडो बताता है कि ये यूज़ होते हैं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए, जिसको सुन के बीटा ये कंक्लूड करती है कि यहाँ पर एक उनके वर्ल्ड से ज़्यादा एडवांस सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी। वो ये नॉलेज अपने वर्ल्ड में ले जाती है तो शेडो गार्डन को और इम्प्रूव कर सकती है। शेडो ये सब देखकर अपने माइंड में ये सोच रहा होता है कि इन एडवेंचर ने उसको अपनी कूलनेस दिखाने का बहुत सही मौका दिया है क्योंकि वो बीटा के हर सवाल का जवाब दे पा रहा है। तभी बीटा बोलती है कि लॉर्ड शेडो आपको नहीं लगता कि इन इलेक्ट्रिक वायर्स को अंडरग्राउंड होना चाहिए था। ये सुन के शेडो कुछ सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता है और फिर बोलता है ये जापान के लोगों का स्टाइल है और ऑब्वियसली उनका स्टाइल और हमारे स्टाइल डिफरेंट होगा। तभी बीटा ज़मीन पर पड़े एक न्यूज़पेपर को देखकर बोलती है इस न्यूज़पेपर के कुछ सिंबल सिमिलर है उन वर्ड्स से जो शेडो अपने साइफर लेटर्स में यूज़ करता था। ये सुन के शेडो शॉक हो जाता है और ये सोचता है कि अगर बीटा को पता चल गया ये शेडो का होम वर्ल्ड है और वो इस वर्ल्ड की नॉलेज का यूज़ करके उनके सामने कूल बनता था तो उसका पोल खुल जाएगा और वो ऐसा नहीं होने दे सकता और उसे जल्द से जल्द वहाँ से वापस जाने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अभी उसको नहीं पता कि वो ऐसा कैसे करेगा और उसने तो ब्लैक होल में सिर्फ कूल बनने के लिए हाथ दिया था। बीटा नोटिस करती है कि शेडो बहुत स्वेट कर रहा होता है और वो शेडो से पूछती है सब ठीक। इसके रिप्लाई में शेडो बोलता है कि वो सिर्फ अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा है। बीटा आसपास की हालत देखकर बोल रही होती है कि ऐसा क्या हुआ होगा यहाँ जिसकी वजह से ये प्लेस इतना डेसोलेट हो चुका है, ये किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से नहीं है। ये सुन के शेडो बोलता है मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है कि यहाँ पर क्या हुआ होगा। ये सुन के बीटा बोलती है कि शेडो ऑलरेडी ये डिड्यूस कर चुका है
इस डिस्ट्रप्शन का कॉज क्या है। ये सुन के शेडो सोचता है, मैं श्योर तो नहीं हूँ पर मोस्ट प्रोबेबली ये डिस्ट्रप्शन मैजिक की वजह से हुआ है जिसके फ्रेगमेंट इन हवाओं में हैं। और सोचते सोचते शेडो अपने इसेकाइड होम से पहले के सीन को याद करता है जहाँ उसने ट्रक की लाइट को मैजिक समझ लिया होता है। ये कॉन्क्लूड करता है ये कंट्री मैजिक को विदस्टैंड नहीं कर पाई और पैरिश हो गई। अभी शेडो को वहाँ पर एक रिवर दिखता है और वो उस रिवर से पानी कलेक्ट कर रहा होता है, तभी उसे एक स्मेल आती है जो कि एक बिल्डिंग से आ रही होती है। बीटा और शेडो उस बिल्डिंग में एंटर करते हैं जो कि एक हॉस्पिटल होता है। तभी शेडो फ्लोर पर ब्लड नोटिस करता है और वो उस ब्लड को फॉलो करते हैं और वहाँ पर होती है डेड बॉडी। वो स्मेल वहीं से आ रही होती है। उनके बॉडी को देखकर बीटा ये कॉन्क्लूड करती है रीसेंट डेथ है और भी सर्वाइवर हो सकते हैं। तभी एक मॉन्स्टर बीटा पर अटैक कर देता है पर वो उसको ईजीली डिफीट कर देती है। अभी वहाँ पर और मॉन्स्टर आ जाते हैं पर शेडो उन सबको ईजीली डिफीट कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शेडो और बीटा नोटिस करते हैं कि वहाँ पर और लोग आ रहे हैं। शेडो और बीटा वहाँ से रिट्रीट करते हैं और शेडो बोलता है कि उसके पास एक प्लान है। अकाने निशिनो ये यहाँ पर अपने टीममेट्स को ढूंढने आई हैं जो ऑलरेडी मर चुके हैं। ये सब उनको ढूंढ ही रहे होते हैं तभी उन पर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है जिसको निशिनो इजीली डिफीट कर देती है। निशिनो अपने टीममेट को ढूंढते हुए नेक्स्ट फ्लोर पर जाती है जहाँ पर वो देखती है कि पूरा हॉलवे उन मॉन्स्टर की डेड बॉडीज से भरा हुआ होता है। और जब वो उन डेड बॉडीज़ को एग्जामिन करते हैं और तब वो नोटिस करते हैं कि ज़्यादातर मॉन्स्टर एक हिट में मारे गए हैं। ये देख के वो कॉन्क्लूड करते हैं कि ये किसी पावरफुल मॉन्स्टर का काम है जिसको ये बोलते हैं एपिक्स। तभी उन दोनों साइड कैरेक्टर्स में से एक साइड कैरेक्टर दो बॉडीज़ को डिस्कवर करता है तो जिंदा हो सकते हैं। ये शेडो का प्लान होता है ताकि वो इन्फिल्ट्रेट कर पाए। निशिनो नोटिस करती है कि उस लड़की के बाल साल सिल्वर हैं और उसकी ईयर पॉइंटी हैं जो कि एक साइन हो सकता है अवेकनिंग का। निशिनो उन दोनों को अपने साथ ले जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि निशिनो का भाई जो इस शेल्टर का लीडर है वो निशिनो को पनिश करने की बात कर रहा होता है। अभी वहाँ पर एक कैरेक्टर आती है जिसका नाम है यूका। इन्फॉर्म करती है कि जिन रेफ्यूजीज़ को लाए थे उनमें से एक को होश आ गए हैं। जैसे ही वो दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं शेडो अपनी परफॉर्मेंस स्टार्ट कर देता है। निशिनो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और बताती है कि वो एक नाइट है। यूका एक्सप्लेन करती है लगता है इसकी मेमोरी लॉस हो चुकी है और इसे सिर्फ अपना नाम याद है जो कि है मिनोरू। ये नाम सुन के निशिनो हमारे इसे गाइड होने से पहले वाले शेडो को याद करती है। निशिनो मिनोरू से पूछती है कि क्या उसे कोई लड़की याद है, जिस पे मिनोरू रिप्लाई करता है कि क्या तुम मेरी बहन की बात कर रहे हो। निशिनो मिनोरू को बताती है नात्सुमे के वाइट हेयर और पॉइंटी ईयर्स साइन है एक अवेकनर का और कैसे अवेकनर की बॉडी चेंज हो जाती है जब मैजिक पावर्स मिलती हैं। जिस पर शेडो बोलता है कि नात्सुमे बोल भी नहीं सकती। जिस पर यूका बोलती है कि वो उसकी बहन का पूरा ख्याल रखेगी। तभी वहाँ पर निशिनो का भाई आता है और वो बोलता है कि वो उसका ध्यान रखेगा और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि वो एक रिसर्चर है जो मैजिक और अवेकनर्स पर रिसर्च कर रहा है और वो नात्सुमे के ट्रीटमेंट को उस पर छोड़ दे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शेडो बीटा को उठने के लिए बोलता है और वो बीटा को सब कुछ एक्सप्लेन करता है। बीटा शेडो को प्रेस करती है और बोलती है कि शेडो ने इतनी जल्दी यहाँ की लैंग्वेज सीख ली और उसकी इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करने की एबिलिटी कमाल की है। वो जल्द से जल्द जापानी सीखने की बात करती है जिसको सुन के शेडो एक बार और परेशान हो जाता है और बोलता है कि उसे ऐसा करने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। और फिर शेडो बीटा को सेपरेटली एक्ट करने को बोलता है ताकि वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शेडो बाहर घूम रहा होता है और ये सोचकर खुश हो रहा होता है कि उसने बीटा को उससे अलग कर दिया। अब वो आराम से घर जाने का रास्ता ढूंढ सकता है और जब तक वो रास्ता नहीं मिलता वो जापान के स्टे को एंजॉय करेगा। और ये सोचता है कि यहाँ की हालत है, यहाँ पर और भी फन इवेंट
हो सकते हैं जहाँ पर वो अपनी कोल्डनेस शोकेस कर सकता है। तभी वहाँ पर निशिनो आ जाती है और मिनोरू उसे पूछती है कि वो बाहर क्या कर रहा है। इसके रिप्लाई में मिनोरू बोलता है उसने सोचा कि बाहर घूमने से उसे कुछ याद आ जाए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि निशिनो मिनोरू को बता रही होती है कि वो कैसे अब तक सर्वाइव करते हुए आ रहे हैं और वो एक फैसिलिटी में फूड भी ग्रो कर सकते हैं जो उनके सर्वाइवल में उनकी काफ़ी मदद कर देता है। इसकी वजह से बाकी सर्वाइवर्स के लिए वो कैसे एक टारगेट बन गए हैं और इसीलिए वो अपने फाइटिंग पावर को इनक्रीज़ करना चाहते हैं। और तभी मिनोरू निशिनो से पूछता है कि इस वर्ल्ड में ऐसा क्या हुआ। पर निशिनो बताती है कि इसकी शुरुआत हुई थी 3 साल पहले। और इस वीडियो में इतना ही। इसका अगला पार्ट नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा और अगर इस वीडियो पे 20 लाइक हो जाते हैं तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट तुरंत रिलीज़ कर दूँगा।